मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हम व्यू लेंगे। अविनाश जी, ऑलरेडी जो शेयर के प्राइसेस हैं अडानी ग्रुप की कंपनीज के, अगर हम पावर वाले पोर्टफोलियो की बात करें तो वहां पर लगातार हमने लोअर सर्किट्स देखे, भाव एक चौथाई से भी कम रह गए हैं, कई कंपनियों के भाव तो अब 1/6 रह गए हैं। अगर हम दिग्गज कंपनियों की बात करें तो वहां पर भी भाव 1/1 रह गए हैं, और जो टोटल जो मार्केट कैप है ग्रुप का वो तकरीबन 3/4% वो कम हो गया है। अभी जो निवेशक हैं अडानी ग्रुप के, इस खबर के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देख रहे हैं और उन्हें करना क्या चाहिए, उनका कदम क्या होना चाहिए? देखिए एक अभिषेक, मुझे लग रहा है कि सेबी ने जो कमेटी बिठाई है, डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के लिए, पूरे ग्रुप के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि पूरी तरह से मैटर को एनालाइज किया जाएगा। शेयर का जो गिरना था और हेडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, उसके क्या कारण थे, इसमें क्या मैनिपुलेशन या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो किए गए, इसके सारे इनपुट्स ये कमेटी देखेगी। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो भी डाउट्स और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लैरिटी देने के लिए ये रिपोर्ट बहुत काम में आएगा। बट इसका जो रिजल्ट है वो मार्केट्स बहुत कीनली अवेट करेगी। अगर ये रिपोर्ट से साबित होता है कि कुछ भी गड़बड़ी अडानी ग्रुप में नहीं है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को बहुत अच्छा और बड़ा कॉन्फिडेंस मूव दिखाई देगा। और इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें वापस थोड़ी रीरेटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही एक फैक्टर है जो मार्केट्स बहुत थोड़ा सा कॉशियस है, सेंटिमेंट भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली ये जो मूव हुआ है सेबी का मूव, ये डेफिनेटली अच्छी बात है और इससे डेफिनेटली निवेशकों का फायदा ही होना चाहिए। लेकिन ये सारा जो भी डेवलपमेंट है, इसका जो मटेरियल इंपैक्ट है, वो आपको रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो टिल दैट टाइम मेरे ख्याल से मार्केट्स काफी रुचि से इसको अवेट करेगी और इंतजार करेगी, और होपफुली अगर ये पॉजिटिव निकलता है इन फेवर ऑफ अडानी ग्रुप, तो मेरे ख्याल से जो सेंटिमेंट है वो डेफिनेटली बदलने की कोशिश जरूर करेगी।